पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के द्वारा तहसील पर प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि कुछ किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। तहसीलदार नायाब ने 15 दिन में कार्यवाही का आश्वासन दिया था, परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। फांसी दर्ज के नाम पर छोटे अधिकारी कर्मचारी लेखपाल और ग्राम प्रधान हजारों रुपए की उबाही कर अवैध वसूली के से बाज नहीं आ रहे। जाली राशन कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं। तहसील के कर्मचारी किसानों की गाड़ियों से पार्किंग पर्ची काट कर अवैध वसूली कर रहे हैं, जो कि जनहित में बंद होना अति आवश्यक है। साथ ही लेखपाल किसानों की खसरा खतौनी बनाने के लिए अवैध रूप से ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं। जो भी सरकारी फीस है वो ना लेकर 100-200 रुपए वसूले जा रहे हैं। किसानों ने मांग की है कि जल्द ही इन सभी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। यहाँ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं भानु जी, उनके निर्देश के अनुसार तहसील का जो है घिराव था, और तहसील के घिराव पर हमारे जो यूनियन से, किसान यूनियन से जो भानु जी जुड़े हैं वो सारे हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ आए थे। उन्होंने कुछ हमारी समस्याएं हैं, जैसे कि मुरादाबाद में खनन की समस्या चल रही है और अपना किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, और जो गन्ने का भुगतान है, जो गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, आप पिछले साल का भी कुछ बाकी रह गया है और इस साल का भी किसानों के गन्ने का भुगतान है, उसको लेकर और तमाम किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ हमने जो है धरना प्रदर्शन किया था। क्या कोई ज्ञापन भी दिया गया? हाँ, हमने जो है यहाँ ज्ञापन दिया है। तहसीलदार महोदय ने हमारा जो है ज्ञापन हमसे दिया है। मुख्य रूप से ज्ञापन में क्या मांग रहे हैं? उसमें काफ़ी हमारी यही मांग थी, किसानों के जो भुगतान के बारे में मांग है, और जो यहाँ पे जो अवैध वसूली, जो किस तरह से खसरा देने में या खतौनी पर जो पैसे बढ़ा कर लेते हैं, या और जो जिस तरह से अवैध वसूली होती है उसके लेकर भी है, और बाकी हमने जो अपने किसानों की क्या आश्वासन दिया गया तहसीलदार? तहसीलदार महोदय ने कहा है कि इससे जो है आपकी जो मांगे हैं इस पर हम जो है गंभीरता से लेंगे और इस पर जो है पूरा जो है संज्ञान लेंगे। मान लीजिए अगर बात की विचार नहीं किया जाता, क्या कार्रवाई की? अगर विचार नहीं किया जाता है तो हमारा जो है अगला जो धरना प्रदर्शन होगा वो जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर होगा।